निकली रहेगी सर, हम क्यों करें ऐसे डाई कर दे वो काम। दस रुपए ना बटा देते आम व्यापारी, दस रुपए ना। अच्छा जी, नहीं जो ओरिजिनल है ओरिजिनल ही जाएगा, ऐसी ठगी से बचे। हाँ ठगी से बचे, ये दस रुपए ना बटा देते आम व्यापारी। हाँ ये आपकी बात सब बढ़िया है जी, 30,000 रुपया बता देते, 10 रुपए लगा, 10 रुपए में 30,000 रुपए का, 30,000 रुपया बता देते। अच्छा जी, पर नहीं आज नहीं पता लगेगा, कोई 2 महीने नू 3 महीने लगेगा। तभी कहते हैं सभी भाइयों से वीडियो को एंड तक देखें, हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जी। मैं तो कहना कोई तरन तारण का बंदा हो मेरे ना, मेरा पिंड शहीद है जी, शील पट्टी है, जेड़ा मर्जी मेरा संपर्क कर लेके जोगे का विहार कैसा है जी जी। और आप किसी का कहते नहीं, जिसे ना वरते नहीं आप कह नहीं सकते। हाँ सही बात है भाई साहब, किसने वरते हैं उसका कह सकते हैं। तो जोगा भाई साहब प्रॉपर किस कितने दूध पर सेल करोगे ये भैंस? सर सेल देखो अभी तो मैं ऐसे मुंह से कह दूं 25-24 उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। जब आएगी जब हम नाप के देंगे जब ही पता लगेगा भी हाँ इतना दूध है, और दूध वाली भैंस है वो दिख ही रही है सर। और आइडिया? आइडिया सर मालिक ने चाहे तो 20 लीटर दूध बाल्टी में देंगे, बच्चे को अलग छोड़। राम राम भाई साहब। राम राम जी। राम राम। तो भाई साहब अपना शुभ नाम और प्रॉपर एड्रेस बताएं जी। सर जी हमारा जो मेरा नाम है जो जोगा डेयरी फार्म के नाम से हमारा, मेरा नाम जोगा है, इस लड़के का नाम भतीजा है जो हमारा, इसका नाम है राहुल जी। जी हम श्री गंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं जी, बस स्टैंड से और स्टेशन से 2-2.5 किलोमीटर का अंतर है हमारे घर का यानी की। जी जी। तो हमारा जो एड्रेस है जी भूप कॉलोनी गली नंबर 3 मकान नंबर 17 SSB रोड जी नजदीक मीरा चौक। बाकी कोई भी भाई आना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड आके कॉल करें। बिल्कुल कॉल कर लें, जब घर से चले हमें कॉल कर दें भी हम आज घर से चल रहे हैं जी, उनको फिर हमें मालूम होता है इस टाइम भी गाड़ी आएगी इतने बजे चले, बता ही देता है अगला भी इतने बजे चले हम इतने बजे पहुंचेंगे। हाँ जी, तो उनको लेने के लिए हमारे दोनों में से एक आदमी वहाँ पे आपको मिलेगा। मिलेगा। हाँ जी, लेने के लिए। कॉन्टेक्ट नंबर बताएं भाई साहब। कॉन्टेक्ट नंबर है जी 98-292-99-096 जी। एक नंबर और है सर 76-899-67-176 है। तो ये दोनों नंबर व्यूअर्स आपको नीचे स्क्रीन पर मेंशन होंगे। तो भाई साहब रेगुलर वीडियो आ रही है जी जैसे। हाँ जी सर, काफी भाइयों का प्यार भी मिल रहा है। बहुत ज़्यादा, बहुत मिल रहा है जी जी, आशीर्वाद है जी जी। तो आज की वीडियो भाई साहब कितनी गाय और भैंस दिखा रहे हैं अपने? सर एक्चुअली में क्या है ये जो 8 गाय तो आगरा जा रही है, हमारे पास ग्राहक आए हुए हैं। अच्छा, यानी कि कस्टमर आए हुए हैं जिन्होंने यहाँ से 8 गायें परचेज करी है। 8 गाय ली है उन्होंने। तो सभी भाइयों से निवेदन और रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी भाई वीडियो को एंड तक पूरा देखें, क्योंकि इन सभी गायों की प्रॉपर डिटेल आप भाइयों के साथ शेयर की जाएगी, ताकि जो भी भाई देसी ब्रीड की गायें लेने के इच्छुक है तो कस्टमर खुद यहाँ पर आकर इन्होंने गायें परचेज करी है, तो आप सभी भाइयों का रेटों का अनुमान हो सकेगा कि किस रेट में कैसी गायें रखी है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भाई कम बजट में भी डालते हैं कोई ग्राहक बुलाने के लिए, और एक ग्राहक खुद यहाँ पर आने के बाद अपनी आंखों देखकर पशु ले रहा है तो वो सही बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारे पास आए उन्होंने कहता 2 टाइम दूध निकाला है जी, अच्छी तरह उनको वो तो आप ही वो ही बता देंगे, हमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। हाँ जी हाँ जी। और भैंस की बात करें तो भाई साहब भैंस की दो भैंस अपनी तरन तारण जा रही है, दो भैंस सेल होकर तरन तारण पंजाब में, वो भी आए हुए हैं जी, वो भी कस्टमर आए हुए हैं, उनसे भी आपका मिलाएंगे, उनसे भी परिचय करवाएंगे, परिचय कराएंगे आपका। तो भाई साहब अभी फिलहाल अपनी डेयरी फार्म पर कितनी भैंस सेल के लिए अवेलेबल है जी? सिस्टम सर जी 10 पशु हमारे पास तैयार खड़ी है, 10 भैंस 10 भैंस और 3-4 गाय भी है, 3-4 गाय 10 भैंस यानी कि रेडी टू सेल के लिए अभी भी तैयार है सर, इतनी हर टाइम रहती है? हाँ जी रहती है, कभी 2 बिक गई या 3 आ गई ऐसे तो चलता रहता है, ऐसे कभी कम कर परमानेंट 10-12 हो जाए, परमानेंट 14 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, यानी कि 10-12 पशु तो नेवलन मिलेंगे। तो अपने प्राइस की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक आई है? हमारे पास 55,000 से लेके 1,65,000-70,000 तक भैंस है। 55,000 से शुरुआत है, 1,65,000 रुपए तक हाईएस्ट 10 भैंस आपके डेयरी फार्म पर बिल्कुल हाजिर तैयार है, हाजिर तैयार है। हाँ जी हाँ जी। और आज की वीडियो में जानकारी कितनी भैंस की देंगे अपने जो जानकारी सर एक ही भैंस की देंगे, एक भैंस जो ये आती जैसी बड़ी भैंस दिख रही है, ये सबसे शानदार भैंस है जी, सबसे सीनियर भैंस यही है। अच्छा जी, इसी की हमने बस वीडियो दिखानी है, बाकी हमारे पास माल खड़ा है। अच्छा जी, तो कितने दूध की गारंटी पर आई है भैंस? ये सर जी 20+ देगी, 20+ गारंटी वाला, ये तो भैंस ही दिख रही है जी, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है, कहने में संदीप जी 23 कहते 24 कहते नहीं, 20 लीटर की गारंटी पे भैंस दे देंगे, फुल गारंटी, पिकअप गाड़ी में अकेली आएगी भाजी, दूसरी भैंस नहीं आएगी। अच्छा जी, फुल हाइट वेट की, किसी चीज की कमी नहीं है जी। जी जी, तो इससे आगे भाई साहब जो अपने कस्टमर आए हुए हैं उनको बुलाई जी, उनसे अपनी चंद बातें मिला देते सर। राम राम भाई साहब। राम राम। सरदार जी सत श्री अकाल। तो
सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन देना, तो भाई साहब सबसे पहले सरदार साहब से बातचीत करते हैं जी। तो सरदार जी अपने कहां से आए हो जी? असीं जिला तरनतारन पंजाब जी, तहसील पट्टी जी। फिर से द्वार से रिपीट करना जी। जिला तरनतारन जी, पंजाब, पिंड शहीद, तहसील पट्टी। तो भाई साहब से संपर्क कैसे हुआ था जी? इन्हां दे वीडियो दे माध्यम ही होया सी, यूट्यूब के माध्यम। हां यूट्यूब ते। कब आए थे आप? ये कल आए सी। कल आए थे यानी कि? हां जी। और आज जो अपने वीडियो बना रहे हैं वो दिनांक हो चुकी है 16 जनवरी 12:33 पर। हाँ, दोपहर मतलब दोपहर का समय हो गया। हाँ जी, हाँ जी। दो भैंस ली है। हाँ जी, हाँ जी। तो दोनों भैंस ब्याई हुई रखी है कि प्रेग्नेंट रखी है? दोनों ब्याई हुई है। तो दूध निकाल कर देखा? हाँ, दूध निकाल के दो टाइम निकाला, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। तो भाई साहब से लगभग आपका तरन तारण यहाँ से 250-250 किलोमीटर होगा? 250 किलोमीटर। तो एक वीडियो के जरिए आप आए हो? वीडियो से जरिए आए। तो कैसा लगा जी यहाँ पर आने के बाद? बहुत बढ़िया, जैसा वीडियो में दिखाया गया वैसा मिला जी। मैं ना ये जोगा भाई ने जी जी भी बढ़िया है। अच्छा, बिल्कुल बेधड़क हो गया। कोई ये ना आखे भी मैं जाऊंगा उसे के फिर के सारे आओगे होगा जी। जिसे भी फोन करोगे बस अड्डे करोगे, जिसे करोगे उसे जाके गड्डी तो लेके आऊंगा। अच्छा जी। आउंदिया पहले सब तो पहले रोटी खवाऊंगा, बाद में कहे मने काम लेके दूंगा चार। अच्छा, रोटी खवाऊंगा। यानी कि ऐसा नहीं है इतनी दूर से कोई इंसान आता है तो आने के बाद में ऐसा फील करे कहीं मैं प्रदेश में गया हूँ, क्या पता बंदा आके चाय पानी रोटी पानी कोई पूछे या ना पूछे, वैसा नहीं है। किसी तरह की प्रॉब्लम कोई नहीं, आपके रिश्तेदार तो वध समझ दे। अच्छा जी। आपके रिश्तेदार हो सकता है ना समझ जिन्हें सारू समझ दे काका। तो सरदार जी आपने दो भैंस कौन सी रखी है? एक भैंस से आए है जी, बुरी भैंस। बुरी भैंस, बुरी भैंस बहुत से भाइयों की डिमांड होती है जी, नीली रावी ब्रीड के अंदर। बुरी कट्टी है इसमें पीछे। अच्छा जी, बुरी कट्टी है। पीछे भी बुरी कट्टी है। हाँ जी। तो कितने रुपए की रखी है आपने? 1,35,000। 1,35,000 रुपए की। हाँ। तो दूध कितना है जी इसमें? दूध इसको 15-16 दे लगभग। आज 4 दिन की ब्याई है, 15-16 लीटर अभी हाजिर दूध तैयार है, दूध 20+ देगी। 4 ही दिन की ब्याई के नीचे? तो 4 ही दिन की नाडुआ साथ में है। तो सरदार जी कई भाई बोल देते हैं यार 4 दिन की ब्याई के नीचे इतना दूध। हाँ, इनसे पूछो निकाला या नहीं निकाला। जेड़ा पशु दूध वाला होता है ना जी जी, वो देता है कहीं 25 दिन व्यय तो बाद भी नहीं देता। जिन्हें नहीं देना 25 दिन व्यय तो बाद भी नहीं देता। और जो भाई जैसे कमेंट करते हैं, कई भाई जैसे ऐसे ही अपने मुंह से बता देते हैं इतना दूध होता ही नहीं है, जैसे अब आप खुद आंखों से निकाल कर आपने पैसा दिया है, अपनी संतुष्टि की है यानी कि। तो जो भाई जैसे कमेंट के जरिए बताए कि भाई साहब फिर भी झूठ बोल दिया, तो उनको क्या कहना चाहोगे जी? असि उन्होंने कहने हैं कि जे तो डंगर सही है, जे बंदा सही है जी जी, डंगर सही देता वा जी जी, थले दुध देगा वा जी जी। एक ऐसे महीने की व्याई थले भी 2 किलो ही रह जाता, 4 किलो रह जाता। हाँ ठीक, वो भी सच्चे है, पर जेड़ी नसल है वो नसल है, नसल है जेड़ी असल है वो असल है। 250 किलोमीटर एवं नहीं चल गया है जी जी, असल लेना है नसल छड़ के नहीं आए। अच्छा जी। और दूसरी भैंस कौन सी रखी है? दूसरी भैंस ये रखी है। हाँ। तो इसका कितना दूध निकाला है जी? ये 16 लीटर। 16 लीटर नाप के। हाँ। तो ये कितने रुपए की रखी है? ये 1,10,000। 1,10,000 रुपए। हाँ। यानी कि दोनों भैंसे आपने रखी है 2,45,000 रुपए की, 2,45 की। हाँ। और दोनों की एवरेज माने तो 16-16 लीटर दूध वाली। हाँ, किराया पड़ा था आपका? किराया आपका है सर, किराया आपका है। तो जैसे सेल के लिए लिया आपने के वैसे ही जी? नहीं, घर घर रखने वास्ते लिए है जी। घर पर रखने के लिए? हां जी, यानी इन्होंने दो टाइम आदे हाथ ना लीटर ना दूध नापया, मुंह ते खड़े पूछ लो अपने, कोई ये गल नहीं है। इन्हां दी तसल्ली हुई उदों कीता है, इन्होंने 3 मझां पास कीतियां सी, जे कहंदे सी आ छड़ के मैं दूजी लेनी है, मैं कहा जी ओ भी कोई गल नहीं। इन्होंने कोई इन्होंने एक ही गल कही सी भी तुसी खुश होके जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਲਿਓ, ਅੰਦਰ ਮੱਝਾਂ 15 ਖੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੋ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਲੈ। ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਜੀ, ਆਣ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ 10 ਮੱਝਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚੋਲੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਸਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਉਹਦੀ ਸਾਈ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸਾਈ ਕਰ। ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ। ਤੋ ਰਹਿਣੇ ਸਹਿਣੇ ਕੀ ਵਸਤਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਿਣੇ ਸਹਿਣੇ ਦੀ ਇੰਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਸਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਜੀ ਜੋਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸਰ, ਇਹ ਆਗਰਾ ਸੇ ਆਏ ਹੈ, ਗਾਏ ਲਈ ਹੈ ਸੋਨੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਰਾਮ ਰਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਸੋਨੂ ਭਾਈ। ਸੋਨੂ ਭਾਈ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ? ਆਗਰਾ ਸੇ ਆਏ ਜੀ। ਆਗਰਾ ਮੇ ਕੌਨ ਸਾ ਗਾਂਵ ਹੈ ਜੀ? ਡੋਕੀ ਗਾਂਵ ਹੈ, तहसील डोकी है, जिला आगरा है, डोकी। राहुल भैया क्या बोला बताना? ये कह रहे हैं डोकी गांव आगरा से 20 किलोमीटर आगे है। डोकी गांव है आगरा से 20 किलोमीटर आगे। तो जोगा भाई साहब से कैसे संपर्क हुआ जी?
ऑनलाइन संपर्क यूट्यूब वीडियो पे है जी, वीडियो देख के ही हुआ था। देख के आए तो आपने गाय रखी है भैंस जी? गाय रखी है, 8 गाय रखी है, 8 गाय रखी है। तो राहुल भैया साथ साथ में बताना ये गाय कौन से कितने रुपए की रखी है जो भाई? साहिवाल, राठी, चोलिस्तानी और एक जर्सी क्रॉस गाय रखी है जी जी। और 30,000 से लेके 62,000 तक इन्होंने गाय ली है, 15 लीटर से लेके 20 लीटर तक दूध की गाय ली है। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो एक नंबर पर ये खूबसूरत गाय है जी, तो ये कितने रुपए की दिलाई है? ये गाय जी स्वर्ण कपिला बछड़ी है, ये कल भी आई है। अच्छा जी, और ये इन्होंने 50,000 रुपए में रखी है जी। 50,000 रुपए की? 50,000 की रखी। तो जैसे भैया बाहर से दिलवाई आपको गाय? बाहर से दिलवाई, बाहर फील्ड में घुमाकर। तो जहाँ पर ये गाय लेने के लिए गए थे उस किसान ने इसका क्या कीमत मांगा था जी? 70,000 रुपए मांगा था। 70,000 रुपए मांगे थे, यानी कि बार्गेनिंग करते करते 50,000 में आपकी डन हुई थी। फैसला किया हमने 50,000 की। फैसला इन्होंने किया था कि आपने खुद ने? इन्होंने बोला भी इतने के लिए दो, हमने उतने के लिए दिया। इन्होंने बोला उससे हमने 1,000 रुपए भी नहीं बढ़ाए, उतने रुपए की जितने की इन्होंने मांगी उतने की लेके दिया। अच्छा जी, भी हम तो सर कोशिश कर सकते हैं, अगला नहीं देगा तो हम जेब से तो घेरेंगे नहीं, ऐसे हम कहते जेब से घेरेंगे, जेब से नहीं करेंगे पर कोशिश जरूर करेंगे जितने की बोले उतने का माल का सौदा हो जाए। अच्छा जी, तो यानी कि 50,000 रुपए में ऐसी गाय मिल जाती है, कितना दूध दे देगी आपके आइडिया से? 16-17 लीटर का हमने अंदाजा किया, पर 16-17 लीटर, 20 लीटर का बोल रहा था। अच्छा जी, मालिक तो 20 बता रहा था पर इनको 8 किलो टाइम का कह के दिलवाई है। ठीक है जी, इससे आगे जो एक और जो सामने गदरी राठी मतलब जो गाय दिख रही है वो प्रेग्नेंट है कि ब्याही हुई है? वो प्रेग्नेंट है जी, 10-12 दिन कच्ची है। 10-12 दिन जी। नस्ल की बात करें तो वो चोलिस्तानी राठी है जी, चोलिस्तानी गदरी राठी है, चोलिस्तानी गदरी राठी है जी, 10-12 दिन कच्ची। मालिक ने तो कहा था दूसरे ब्याह मगर तीसरे ब्याह भी आएगी वो। तो वो कितने रुपए की रखी है? वो रखी जी हमने 40,000 रुपए की। 40,000 रुपए की, ठीक है जी। इससे आगे जो एक और राठी नस्ल में जो गाय है ये भी संदीप जी एक दिन की ब्याह है, ये है राठी जी मीनी जी, ये इसके पीछे बछड़ा ये हमने रखी 45,000 रुपए की। 45,000 रुपए की, 45,000 की रखी। ठीक है जी, इससे आगे जो भैंस के पास में एक गाय खड़ी है जी, ये थोड़ी जर्सी क्रॉस में आ गई, क्रॉसपन में दांत बच्ची है, खीरी दूध के दांत है इसके अभी जी, ये कम से कम कच्ची है 15-20 दिन जी, ये रखी है जी 62,000 रुपए की। 62,000 रुपए, सबसे महंगी यही है, सबसे महंगी यही है। और एक ब्लैक कलर में बैठी है जो, ये भी आज इसने बच्चा दिया है जी, अभी थोड़ा सा खीस निकाला, बच्चे को पिला के 3-4 लीटर खीस निकाला है। ये कितने रुपए की रखी है जी? ये 55,000 रुपए की रखी है जी। 55,000 रुपए की, 55 की, 55 जी। और जैसे कि ये गिर क्रॉस में है, ये गिर क्रॉस भी अभी क्या पड़ा 12-13 दिन अपने ले जाएगी ब्याने के जी, ये भी 40,000 रुपए में रखी है। ये 40,000 रुपए में रखी है, यानी कि लगभग यही रेंज है 40-45 और एक जो 62,000 रुपए की आप बता रहे हो। अच्छा जी, एक एक गाय बैठी है इधर पीछे जी, इसने भी आज ही बछड़ी को जरा 30,000 रुपए में रखी है, ये भी 14 लीटर दूध बड़े आराम से दे देगी। ये ओनली 30,000 रुपए की, 30,000 की। तो आदमी आगरा से आए हुए हैं जी, इकट्ठे ही आए हैं सभी के सभी। तो जैसे भाई साहब आप बताएं कि जैसे आप लगभग आप कितने बंदे हो? 6-7 जन हो, 6-7 बंदे हो आप यहाँ पर आए हो भाई साहब के पास, रहने सहने की व्यवस्था कैसे है, इनका व्यवहार कैसे है, बाहर से सौदेबाजी कैसे करवाई बताएं जी। रिश्तेदार को रखते हैं घर पे, ऐसे हम लोगों को रखा जी, कोई चीज की दिक्कत नहीं पड़ी, गांव गांव से इन्हें गाय दिलवाई हमको। अच्छा जी, और बढ़िया तरह से इन लोगों ने। कोई भी भाई और इनके पास आना चाहते हैं जो अपने यू आ सकते हैं, वो प्रेम से ले सकते हैं, इनका बहुत स्वभाव अच्छा है जी, और सबसे बेस्ट है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, तो इन अलग मतलब 8 गायों के अलावा आपने कितनी गाय घूम कर देखी थी जी? कम से कम 500 गाय देखी हम लोगों ने। 500 गाय, जो पसंद आई वो ही आपने ली के इनके मन जैसे जो हमारे मन में थी वही गाय ली? अच्छा जी, मन से लिया ऐसा। ऐसा तो नहीं है कि मतलब जल्दी जल्दी कोई ग्राहक आया इनको मतलब दिलवाओ जल्दी जल्दी कोई और देखेंगे, वैसा तो नहीं किया? ना ना, 3 दिन में आराम से घूम के हमने गाय ली। 3 दिन सर, 3 दिन हो गए, 3 दिन लगातार घुमाते रहे। अच्छा जी, कल शाम तक इनका माल कंप्लीट हुआ, फिर कल शाम को हम गाड़ी भर नहीं सके, भर तो देते गाड़ी पर धुंध का टाइम है ना सर जी, तो रात को भरते नहीं है गाड़ी में, रस्ते में परेशान ना हो जी, तो अभी बाहर गाड़ी खड़ी है सर, अब बस अभी 10 मिनट में सारा माल लोड। क्या भाड़ा लगा है जी आपका आगरा का? 35,000 रुपए में सभी गायें आपके घर पर पहुंच जाएगी? ठीक है भाई साहब, धन्यवाद जी।
तो भाई साहब जो आप बता रहे थे वो 20 लीटर वाली गारंटी वाली भैंस, तो उसकी प्रॉपर डिटेल शेयर करें जी। गाड़ी भी सर इन्होंने बोलो 40,000 रुपए लोग कह रहे थे, हमने 35,000 की करवाई है। अच्छा, एक गाड़ी वाले के 40,000 की बात हुई थी, उसमें 5,000 की छूट करवा दी, 5,000 की छूट दी, फिर हमने वो गाड़ी कैंसिल करके इनको 35,000 की स्पेशल गाड़ी करवाई है। अच्छा, 40,000 इनको पहले रेट फाइनल हो चुका था। अच्छा जी, बाद में मैंने आपका 5,000 रुपए कम करवाया नहीं, बिल्कुल करवाया, बात सही है। 40,000 की गाड़ी फाइनल हो चुकी थी, उस बाइक की किसी और ट्रांसपोर्ट से गाड़ी मिली तो हमने इनका 5,000 रुपए और कम करवाया, मुंह पे बैठे आपने हमें बोला भी नहीं, हमने कम करवा दिया, हमारे कोई जेब में नहीं आते, ज्यादा लगवाए। जी जी, ग्राहक का फायदा करेंगे जब ही आएंगे ग्राहक। जी जी, खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया। हाँ जी, खोल कर चलाओ जी। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये भैंस सेल के लिए अवेलेबल है। सबसे पहले भैंस की हाइट वेट लेंथ देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, पिट्ठे की चौड़ाई भी देख सकते हैं, फुल बड़ी भैंस है, जितनी भी कहे उतनी बड़ी भैंस है, खोलकर आपको चलाकर दिखाई जा रही है, आप देख सकते हैं। हाँ घुमाओ इधर इधर भाई साहब, ऐसे घुमाओ। तो भाई साहब इसकी डिटेल बताएं जी। सर डिटेल, सर जी ये दूसरे ब्याह ब्यारी है, ब्याह अच्छा, यानी कि प्रेग्नेंट है अभी। हाँ जी प्रेग्नेंट है सर जी। अच्छा जी, और पहले ब्याह में सर इसने 9 किलो टाइम का दूध दिया है, पहले ब्याह में यानी कि फर्स्ट टाइम में 9 किलो टाइम का दूध दिया, 18 लीटर दूध दिया उसने। अच्छा जी, और दूसरी बार ब्याहेगी सर, अभी ब्याहने में कम से कम 10-15 दिन ले जाएगी, अभी 10-15 दिन का समय बाकी है, अभी 10-15 दिन की समय बाकी है सर, प्रेग्नेंट है। रोक दे बेटा, रोक दे। तो दोस्तों अडर क्वालिटी, थनों का गैप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है, काफी अच्छी अडर क्वालिटी की है, काफी अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर है भैंस का, फुल हाइट वेट की भैंस है। सरदार जी आप उनके पास जाएंगे, भैंस कैसे है जी? ये एक नंबर की भैंस है। कितने की बड़ी है? बहुत ज्यादा बड़ी है, साड़ी पहला सही हो गई सी, नहीं तो ये हो ना जड़ी सी। अच्छा जी, हफ्ता हो गया सा। अच्छा जी, नहीं तो ये भैंस लेके जाते। अच्छा जी, वो इन्हें जो एक काम कर ले, इनके पसंद तो यही थी, पर वो बच्चे कहने लगे, ज्यादा मन पसंद आ गया ना, तो वो कहने लगे भी ब्याई हुई लेके आ जो दूध हाजिर मिल जाए। हाँ जी हाँ जी, इसलिए नीली नहीं, इनको तो पसंद थी ये भी, मज बहुत पसंद थी। लगभग इसकी सरदार जी अपने हाइट माने तो कितनी हाइट हो सकती है जी? यदि कम से कम होगी तो 6.5 फुट, 6.5 फुट। हाँ, कम से कम होगी। जो वीडियो बता रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है, झूठ बता रहे हैं अपने? कोई झूठ नहीं है, कोई आवे ध्यान के लाके खड़के दे। पिकअप में एक ही आएगी, जो भाई साहब ने जाएगी तो नहीं जाएगी, अकेली जाएगी, दूसरी भैंस नहीं जाएगी सर। अच्छा जी, प्रॉपर है 20 किलो दूध वाली भैंस? 20 तो बाहर ही करेगी, अंदर नहीं रहेगी। अच्छा जी, बाहर जाएगी, बाहर जाएगी, निकाल रही है सर, बाहर जाएगी। जी जी, इधर देखो, सेकंड टाइमर जोटी है। हाँ, सेकंड टाइमर जोटी है, चलाओ जी, सेकंड टाइमर जोटी है दोस्तों, बहुत अच्छी जोटी है, अभी ब्याने में समय बाकी है, जैसे जैसे डिलीवरी टाइम इसका नजदीक आएगा तो बहुत अच्छा एक अंडर ग्रोथ होने वाला है, माथे में जैसे बल्ली बल्ली कह देते हैं, छोटा फूल है, छोटा फूल है, बल्ली है, यानी कि ये गंगानगर की निशानी है जी, गंगानगर की निशानी। हाँ, दूध की गंगानगर की निशानी है ये, गंगानगर की भैंस ऐसी मिलेगी। ये और व्यापारी को होता फोन बटाया भी जाता। अच्छा जी, नहीं रीजनल तो ओरिजिनल ही रहेगी सर, हम क्यों करें ऐसे डाई कर दे, वो काम नहीं, 10 रुपए ना बटा देंगे हम व्यापारी, 10 रुपए ना। अच्छा जी, नहीं जो ओरिजिनल है रीजनल ही जाएगा, ऐसी ठगी से बचे। हाँ ठगी से बचे, ये 10 रुपए ना बटा देंगे हम व्यापारी। हाँ ये आपकी बात सब बढ़िया है जी, 30,000 रुपया बता देंगे 10 रुपए लगा, 10 रुपए में 30,000 रुपए का। अच्छा जी, पर नहीं आज नहीं पता लगेगा, कोई 2-3 महीने लगेगा, तभी कहते हैं सभी भाइयों से वीडियो को एंड तक देखें। हाँ जी, हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जी। मैं तो कहना कोई तरन तारण का बंदा होवे, मेरा ना मेरा पिंड शहीद है जी, शील पट्टी जेड़ा मर्जी मेरा स्वर्ग कर लेके जोगे का विहार कैसा है। जी जी, और आप किसी का कहते नहीं, जिसे ना वरते नहीं आप कह नहीं सकते। हाँ सही बात है, किस ना वरते हैं उसका कह सकते हैं। तो जोगा भाई साहब प्रॉपर किस कितने दूध पर सेल करोगे ये भैंस? सर सेल देखो, अभी तो मैं ऐसे मुंह से कह दूं 25-24 उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ जी हाँ जी, जब आएगी जब हम नाप के देंगे जब ही पता लगेगा भी हाँ इतना दूध है, और दूध वाली भैंस है वो दिख ही रही है सर। और आइडिया? आइडिया सर मालिक ने चाहे तो 20 लीटर दूध बाल्टी में देंगे, बच्चे को अलग छोड़ के। अच्छा जी, कम से कम कह रहा हूँ, बाकी देखो जी ऐसे मुंह से मैं जो मर्जी, फुल गारंटी के साथ है, यानी कि इतना नॉर्मल दूध है, बिल्कुल निकाल के देंगे, अगर कोई लेना चाहे ना भैंस अगर साई भी कर जाए तो ब्याने के बाद तैयार करके दूध तो भी हम दे देंगे। और बताओ, अच्छा रोक लोगे आप? रोक लेंगे, साई पक्की लेंगे, अगर हमारी भैंस के नीचे दूध पूरा निकल गया तो पैसे लेंगे, पहले बता रहे हैं, फिर साई उल्टी नहीं मिलेंगे, सीधी बात, अगर दूध पूरा निकल गया 20 लीटर तो हम पैसे ले लेंगे, अगर दूध कम निकल गया
जितनी साई देगा उससे हम उसको 2000 ज्यादा देंगे। अच्छा जी, तो लमसम कितनी साई डालने पर ये भैंस बुक होगी जी? ये सर 10000 रुपए डाल, 10000 रुपए, 10000 रुपए डाल के जी रेट फाइनल हो जाएगा। फिर ब्याने का रेट हम ब्याह के दूध तैयार करके वो रेट बता देंगे, अगले के पसंद होगा जी तो हम 2 टाइम दूध निकलवा के 20 लीटर भैंस दे देंगे। अगर दूध कम होगा तो पैसे कम कर देंगे, दूध बढ़ जाए तो 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगे। और प्रेग्नेंट का अभी का क्या प्राइस है जिसका? आज की घड़ी जो इस कंडीशन में लेगा तो हम 1,65,000 रुपए की भैंस देंगे। 1,65,000? हाँ जी, हाँ जी, कोई मोल मलाई नहीं है। बाकी ऐसे कोई 150 का मान तो हम कह नहीं सकते। बाकी कोई कम की इच्छा हो तो वो भाई फोन ना ही करे। अच्छा जी, ज्यादा मान सम्मान हो जाएगा, 500 क्योंकि ये भैंस बहुत अच्छी है। जिस दिन ब्याह गई हम उस दिन 2 लाख रुपए की भैंस मानते हैं, 2 लाख की बिकेगी तैयार दूध पर। तैयार दूध पे आज की घड़ी 1,65,000 की दे देंगे हम, अगले के घर पहुंच कर देंगे 500-600 किलोमीटर के एरिया में। ये नहीं भी कोई किराया भाड़ा सब हमारा होगा, उसका कुछ नहीं है। 1,65,000 में घर पहुंच। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सभी भाइयों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।